सो गाइस 8:44 हो गए, ये हमारा रक्सेक वगैरह है और यहाँ पर हमारा लग चुका है टेंट। तो पहली बार आज मैं टेंट के अंदर सोऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। और टेंट इतना ही नहीं है, ये देखो तिरंगा भी हमने लगा दिया, क्योंकि यार यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। बाकी इसका एंट्री यहाँ से है, मेरा जो टेंट है केचुआ ब्रांड का, इसके बारे में कभी आपको सवाल पूछेंगे तो मैं डिटेल में बताऊँगा। बाकी ये जो टेंट है, ये टेंट है रितेश भाई का, इन्होंने भी यहाँ पर अपना फ्लैग लगा दिया है। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और आप जो मेरे पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे है झांसी से दिल्ली की तरफ जाने वाला। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, यहीं पर हम रुके थे, शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास आए थे। सो यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, उनसे थोड़ी सी बात कराते हैं। ये भाई लोग ने आज सुबह की चाय वाय पिला दी, ब्रेकफास्ट हो गया इनकी तरफ से। क्या नाम है भाई आपका? राहुल सिंह। कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भाई, भाई अपना नाम बता दो। सरुण सिंह। सरुण सिंह जी, हाँ कहाँ रहते हैं आप? हम तो हरियाणा करनाल के हैं। अच्छा, करनाल है हमारी। हाँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप सपोर्ट करें और बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई एक हमारे पाजी हैं यहाँ पर, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। और बताओ, हम ये मोरना सिटी के, मोरना डिस्ट्रिक्ट के मोरना सिटी में, मेन शहर में है ना। तो बाकी हम ये काम जो निकल लेकर निकले, जो हमारा संदेश है, वो कैसा लग रहा है आपको? मतलब बढ़िया बढ़िया, मजे करो, घूमो फिरो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो गाइज यही बात है। बाकी यहाँ पर एक पाजी हैं, मतलब उम्र में थोड़े बड़े हैं, पर ये नहीं, ऐसा नहीं कि उनको बाबा जी नहीं कह सकते, पर अभी आएंगे, थोड़ी सी उनकी बात होगी। हम कल शाम में आए, ये भाई हमसे मिले और काफ़ी सारी हमने बातें की। बाकी हम लद्दाख कारगिल की बात कर रहे थे, हम जाने वाले तो बोलते भाई थोड़ा संभाल के जाना। वहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि 50-60 किलोमीटर के बीच में कोई स्टे या फिर कोई पब्लिक वहाँ नहीं रहती है। पब्लिक नहीं रहती है वहाँ पे, टूरिस्ट का फिरा होता है। हाँ, देखते रहते हैं कौन आए बाहर से। सो बस यही गाइस, बाकी 9 बज चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं और आज का हमारा टारगेट आगरा है। और देखते हैं आगरा में हम किन किन लोगों से मिलेंगे, अब वो सब आप देखेंगे। बाकी रितेश भाई वहाँ पर हैं, उनका वीडियो एक्चुअली अपलोड हो चुका है, थंबनेल क्रिएट नहीं किया गया था। सो थंबनेल क्रिएट करके आप भी जस्ट भाई अपलोड कर दिए, अब हम फटाफट निकल रहे हैं। बाकी वीडियोस वगैरह अपलोड हो गई है। आज इस वक्त हमने वो वाली वीडियो अपलोड की है जो आपने देखा होगा, वडोदरा में एक ग्रुप था जहाँ पर हम रुके थे और फूड एंड स्टे वहाँ पर फ्री था, राइट। सो बस अब निकलते हैं। गाइस बोर्ड लेकर के आ गए हैं मेन रोड पर और यही है वो हाईवे जो झांसी से जाता है आगरा दिल्ली की तरफ। तो अब चलते हैं रोड पर, देखते हैं पहली लिफ्ट कब मिलती है। बाकी हमारे ट्रेवल पार्टनर मुफ्त यात्री इज हियर। जय हिंद ब्रो। एक्साइटेड? फुल्ली एक्साइटेड, फुल्ली एक्साइटेड एंड फुल्ली एनर्जेटिक। गाइस गुरुद्वारा से हमें लिफ्ट मिल गई थी और मैं आ गया हूँ तकरीबन 11 किलोमीटर आगे और रितेश भाई वहीं पर हैं, उनको भी लिफ्ट मिली है, वो डायरेक्टली आगरा की। तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ और वो यहाँ पर आ रहे हैं और साथ में हम निकल लेंगे। जी आगे ट्रक और ये है अपने मुफ्त यात्री, की हाल चाल भाई? यहाँ तक मैं आ गया डायरेक्टली, चलो। तो भाई आ गए ट्रक के अंदर और सबसे पहली बात तो ये दिखाना चाहूँगा कि भाई ने हमें लिफ्ट दिया है, ट्रक में बिठा लिया और ये रहे आपके मुफ्त यात्री। जब मुझे लिफ्ट मिल गई थी आप क्या सोच रहे थे? हमें लगा कि भाई आगे तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं हम लोग अब कब मिलेंगे। तो हमने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, जब हमें लिफ्ट मिली तो हमने सोचा कि इनको कॉल करेंगे। तो इन्होंने मुझे कॉल कर दिया, इंदिरा भाई ने कॉल किया, तो मैंने बोला लोकेशन भेजो, मैंने लोकेशन भेज दिया था। लोकेशन से भाई आसानी होता है, तो लोकेशन भेजा तो अब मैं यहाँ था और ये यहाँ थे। तो जब पहुंचे तो इनको बोल दिया आप हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा गाड़ी स्लो कर दीजिए। स्लो किए भाई, मिल गए, काफी अच्छा लगा। 11 किलोमीटर में आगे आ गया था, 11 किलोमीटर, और अभी डायरेक्ट हम लोग को आगरा तक डायरेक्ट पहुंचेगा। और अच्छा पर्यटक दिवस है ना भाई, भाई आगरा जा रहे हैं? आगरा डायरेक्टली आप आगरा तक जा रहे हैं? नहीं मैं हरिद्वार जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आगरा तक हमें पहुंचना है बस आज। हरिद्वार तक चलते हैं। हरिद्वार
कहाँ आ गया यार, रेत बहुत तगड़ी है। ये देख लो, आ जा भाई। सो गाइस, यहाँ पर है एक ढाबा, यहाँ पर हम आए हैं खाने के लिए। और रितेश भाई आ जाओ यार, धूप भाई बहुत तगड़ी है। कितने बज रहे हैं, टाइम कितने हो रहे हैं? टाइम हो रहे हैं 11:48। चलो अच्छा है, 11:40। आज लंच हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, रोज लेट हो जाता है यार। खैर आज मैं मास्क लगाया हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है। तो गाइज लंच यहाँ पर है और अभी 12:15 हो रहे हैं, और लंच है आज का इन भाई की तरफ से जिनके साथ हम आ रहे हैं आगरा की तरफ। सो गाइज इस ढाबे में हमने लंच किया, अब चलते हैं। और ये है अपनी गाड़ी पतंजलि परिवहन, देश की रफ्तार। और ये है हमारे मुफ्त यात्री। खाना कैसा रहा भाई? बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आया? हाँ बहुत बढ़िया भाई। आज रितेश भाई ने पहली बार से वो भाजी खाई, तारीफ कर रहे थे, बोलते हैं बहुत अच्छी है। एकदम से बहुत अच्छा लगा स्वाद भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगली वीडियो में हम आगरा पहुंच रहे हैं।